जैसा कि आपका प्रश्न है कि वर्तमान राजनीति से लोगों को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन कोई भी पार्टी इस समय बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। किसी पार्टी का नाम लेने से कोई ख़ास मतलब नहीं है, क्योंकि आज का व्यक्ति, युवा, किसान सब बहुत परेशान है। ऐसा नहीं है कि ये समय पहले नहीं था, पहले भी था, आज भी है, और पता नहीं आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन आगे ना रहे इसकी क्या योजना है हमारे पास में, ये मैं सभी से डिस्कस करना चाहूँगा, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, और किसी भी राज्य के हों। सिर्फ मेरा ये नहीं है कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई प्रश्न है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, वर्तमान और पूर्व सभी, कि हमने अभी तक रोज़गार के लिए क्या व्यवस्था अपनाई है। जैसा कि वर्तमान में लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने आवास दिए, अब उसकी भोजन की व्यवस्था कौन देखेगा? आप उसको आर्थिक रूप से मजबूत करिए जिससे वो अपना रोज़गार खुद तैयार कर सके, आय की व्यवस्था उसकी अच्छी हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा मकान भी बना लेगा, नहीं बना पाएगा, किराए से रहेगा, जीवन उसका कटेगा। आपने उसको मकान बना दिया, अब वो मकान में रहने लगा, लेकिन अब वो अगला स्टेप उसका खाने का क्या होगा, कहाँ से खाएगा, अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा, इसकी चिंता कौन करेगा? क्षेत्रीय स्तर पे जो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उसमें क्षेत्रीय लोगों को छोड़ के रोज़गार दिए जाते हैं, जबकि इसका निर्णय मेरे हिसाब से होना चाहिए कि क्षेत्रीय स्तर पर जो भी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, उद्योग धंधे लगते हैं, तो वहाँ पर क्षेत्रीय व्यक्ति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। छोटे कार्यकर्ता का हो, बड़े कार्यकर्ता का हो, हाईली क्वालिफाइड हो, नॉन क्वालिफाइड हो, उसके लेवल से उसको वहाँ पर क्षेत्रीय काम मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लग रही है, राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से कर्मचारी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लग रही है वहाँ दूसरी जगह से कर्मचारी आ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्षेत्रीय स्तर पर यदि काम करेगा व्यक्ति, आप उसके लिए नियम कानून बहुत कठोर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नियम कानून जब तक कठोर नहीं होंगे तब तक सुधार नहीं होगा, ये बात तय है। लेकिन नियम कानून कठोर हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये बता के हम उपलब्धि ही नहीं दे पाएँ, वो हमारी बहुत बड़ी कमी होगी। तो आप सभी सुनने वालों से भी मेरा निवेदन है कि कोशिश करें कि इस वीडियो के और आगे जहाँ तक पहुँचा पाएंगे आप तो अच्छा रहेगा। मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, कटनी ज़िले में रहता हूँ, और मेरा एक गांव है विलायत कला, वहाँ मेरी खेती है, उस खेती से मैं संतुष्ट हूँ और प्रयास करता हूँ कि समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, कोई दिशा दे पाऊँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आप लोगों द्वारा मुझे कोई राय दी जाती है तो मैं उसके लिए सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर आप चाहें तो ले लें, 7566693। क्षमा करिएगा, 7566239315। धन्यवाद।